हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अरविंद यादव। यू नो, स्टरडे माई थ्रोट इज टोटली इन्फेक्टेड ड्यू टू वायरल डिजीज, सो आई एम अनेबल टू मेक द वीडियो एंड टूडे आई विल कंटिन्यू द वीडियो इन एनालिसिस वीडियो। सो टूडे आई विल डू द एनालिसिस ऑफ 7 सितंबर वीडियो, तो आई विल स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम जो कि 6 सितंबर से कॉन्वर्ट जारी है, और इस एग्जाम में 7 नवंबर के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चनों का हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो हिंदी का सेक्शन है। तो हिंदी के सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो हिंदी के सेक्शन में जैसे कि रचना के क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद पूछा गया कि पद्मावत जो रचना किसने लिखी थी, तो इसका आप भी आंसर जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। उसके बाद क्वेश्चन शुद्ध अशुद्ध लिखने के लिए आया था। उसके बाद तद्भव तत्सम शब्द को लिखने के लिए आया था। उसके बाद रस और छल अलंकार का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। इसके अलावा पूछा गया था दोहा सोरठा और क्या है मात्रिक छंद है अर्धमात्रिक छंद है, ये पूछा गया था। उसके अलावा एक सेंटेंस दिया गया था, उस सेंटेंस में ये लिखा गया था कि ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा जो वर्ड होते हैं और जो हिंदी की राइटिंग है वो काफ़ी मतलब जो एजेस वो सिस्टम में काफी करेक्ट फॉर्मेट में नहीं हो रही। मतलब जैसे क लिखना है तो उसे क ना लिख के क और अ लिख के ऐसे मेंशन होता है, तो यानी वो सेंटेंस बड़ा होता है। जैसे युधिष्ठिर लिखना है तो युधिष्ठिर, जैसे क्वेश्चन आया था कि शुद्ध शब्द बताइए, तो उसमें बहुत सारे वर्ड थे, कवयित्री था उसके बाद युधिष्ठिर था, तो युधिष्ठिर में जो छोटा वाला स होता है वो दिया गया था, तो इस तरह वो इनकरेक्ट था। तो इस टाइप के हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी सिंपल पूछे गए थे। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है मैथमेटिक्स का, जो सब इंजीनियर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल लगता है। और हिंदी से इस एग्जाम में जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था कि वैल्यू एक दी गई थी, ए की वैल्यू 258 दी गई थी और बी की वैल्यू जो 260 दी गई थी और सी की वैल्यू 262 दी गई थी। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कि था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3 ABC, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो इसको जो अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तो आपको पूरा टाइम जो कि काफ़ी चला जाएगा। इट इज़ ए मच टाइम टू टेक इन योर एग्जामिनेशन। सो व्हाट यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट इज़ ए वेरी सिंपल लॉजिकल अप्रोच। सपोज 258, तो हाउ टू 258 को सॉल्व करेंगे, तो उसको लिखेंगे 260 -2 एंड 260 इज जस्ट रिमेन इन सेम एंड 262 राइट इन 262 +2, और इसको फार्मूले में एडजस्ट करेंगे तो आंसर उस तरह से आ जाएगा। अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करते हैं, 262 का क्यूब निकालते हैं, फिर 260 का क्यूब निकालते हैं, पर फिर 262 का क्यूब निकालते हैं, उसके बाद इन तीनों को ऐड करते हैं, फिर -3 ABC का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मच टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन जो कि आया था कि कंजिक्यूटिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का था, कि जैसे कि एक पर्सन है, एक किसी चीज़ को सेल करता है, उसमें उसको 5% प्रॉफिट होता है, फिर सेम पर्सन उसी को करता है तो उसको 3% का लॉस होता है, तो उसमें ओवरऑल उसका क्या होगा। फिर एक क्वेश्चन था कि जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है उसमें 24% उसका उसमें इंक्रीज हो जाता है अगर इनकम टैक्स, तो उसका ओवरऑल में जो अर्निंग है 1% का डिक्रीज होगा, तो इनकम टैक्स कितना परसेंट होगा, एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि एक बाल्टी है उसमें जो कि एल्कोहल फिल हुआ है, एल्कोहल को उसमें 8 लीटर एल्कोहल को 3 टाइम्स रिप्लेस किया जाता है। पहले 8 लीटर निकाला जाता है, उसमें 8 लीटर फिल किया जाता है, फिर 8 लीटर निकाला जाता है और 8 लीटर फिल किया जाता है। एक कंसेप्ट जो 3 टाइम रिस्पेक्टिव होता है, तो रेशियो बनता है 16:65 का, तो 16:65 का रेशियो बनता है। तो इसको कैसे, तो ये ओरिजिनल इनिशियल में एल्कोहल कितना रहा होगा, तो ये क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। उसके बाद मैथमेटिक्स का एक और क्वेश्चन था जो सिंप्लीफिकेशन का था, कि 1 + 3² + 1 जो होता है उसमें 3² + 1 + 3² जो कि एक जीपी सीरीज बन रही थी, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन था। उसके बाद जो कि कंजिक्यूटिव इंक्रीज डिक्रीमेंट सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीमेंट का था, कि इतने परसेंट इंक्रीज होता है, तो वो 3 टर्म के लिए था, तो वो क्वेश्चन था। उसके बाद स्पीड का था, एक कैल्शियम का क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह से जो मैथमेटिक का सेक्शन है वो पार्ट किया गया था। अब आते हैं आपका फेवरेट
टॉपिक है जीएस सेक्शन। और जीएस सेक्शन में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि पूछा गया था कि ओलंपिक गेम होते हैं उसमें छल्ले कितने होते हैं। तो उसमें छल्ले, जैसे कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया ही कि पांच छल्ले होते हैं, और पांच छल्ले जो कि फाइव कंजिक्यूटिव या फाइव कंटिनेंट को ऐड करते हैं, जो कि फाइव कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और पांचों कंटिनेंट का कलर भी अलग अलग होता है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद एक हमने फाल्क डांस की सीरीज कराई थी, उससे क्वेश्चन पूछा था कि कुट्टल्लम जो डांस होता है ये कहाँ किस एरिया का होता है, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। तो इसका आपको करेक्ट आंसर देना है क्योंकि हमने ये वीडियो पढ़ाया हुआ है। उसके बाद जो कि पॉलिटी से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय तक होता है, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो कि 6 ईयर होता है, और वो रिटायरमेंट 2 साल पे लेते हैं और फिर रिज्वाइनिंग होता रहता है। और राज्यसभा जो कि अपर हाउस बोला जाता है उसमें 238 मेंबर होते हैं परमानेंट में, उसके अलावा 12 जो जो 12 सदस्य होते हैं, तो 12 मेंबर होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और वो स्पेशल फील्ड से आते हैं, जैसे कि आर्ट, कल्चर, साइंस, एग्रीकल्चर, इन फील्डों से पूछे जाते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका 6 साल कार्यकाल होता है, एक क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि पंचायती राज समिति, यानी पंचायती राज समिति की जो 3 टीयर मॉडल होता है वो किसने दिया था, तो 3 टीयर मॉडल जो कि बलवंत राय मेहता ने दिया था, और 3 टीयर मॉडल को बलवंत राय मेहता ने दिया था, और 2 टीयर मॉडल को जो कि अशोक मेहता ने दिया था। उसके बाद हमने अपने यूट्यूब चैनल पर यह भी बताया हुआ है कि जो पंचायत होती है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 40 में मेंशन है। उसके अलावा उसका गठन की बात की जाए तो आर्टिकल 243 में A to I में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसके अलावा जो पंचायत होती है, पंचायत एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन और सेंट्रलाइजेशन की जो पावर को डिस्ट्रीब्यूशन जो कि महात्मा गांधी के प्रिंसिपल पर बेस है। महात्मा गांधी जी का कंसेप्ट था कि पावर को एक पार्ट में सेंट्रलाइज ना करके बल्कि छोटे छोटे लोगों में डिवाइड कर दिया जाए, जिससे पावर और रूलिंग प्रोसेस आसान हो सके। उसके बाद जो पंचायती राज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट कांग्रेस फाउंडेशन कब हुआ था, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट कांग्रेस फाउंडेशन जो कि 90 जो कि ईयर आपको हमने ऑलरेडी बताया हुआ था। उसके अलावा जैसे कि हमने बताया था कि जैसे हिंदुस्तान, उसके बाद जो एक मोतीलाल हिंदुस्तान रिपब्लिक HRA का फाउंडेशन कब हुआ था इसके बारे में बताया था। उसके बाद पहले जो INC के प्रेसिडेंट महिला बनी थी, जैसे एनी बेसेंट, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद जो कि अभी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 21 नवंबर 2021 का क्वेश्चन था कि एक फाउंडेशन था उसके जो कि CEO कौन बने हैं, तो इसका मतलब कि करंट अफेयर जो कि 1 साल पीछे का भी पूछा जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि ठुमरी की रानी यानी अप्पा जी किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन जो कि हमने कराया हुआ था फॉल्क डांस, और या जो घराने हैं लखनऊ घराना, वाराणसी घराना या उज्जैन के घराने होते हैं, इनकी से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ये भी पूछे गए थे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गेम के जो प्लेयर होते हैं उनका जो कंट्री नेम कहाँ होता है, तो जैसे कि आप एक टॉप रेसलर को जानते हैं हुसैन बोल्ट, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो हुसैन बोल्ट किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और किस कंट्री से आते हैं, जैसे जमैका से आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जो कि AMP सब इंजीनियर एग्जामिनेशन, इस तरह से GS के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अलावा MPGS के क्वेश्चन को इग्नोर किया गया था और नेशनल लेवल के GS को काफी फोकस किया गया था। इसके अलावा जो कि जो नेशनल जीएस नेशनल और हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि पॉलिटिकल के टॉपिकों को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, इस तरह से आता है। उसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक है, सेक्शन है, वो है इंग्लिश का, तो इंग्लिश में इनकरेक्ट और इन करेक्ट के पूछा गया था। उसके अलावा सेंटेंस का सही पोजिशन सेट करने के लिए पूछा गया था, जैसे उसके बाद जो अगला जो टॉपिक था उसमें जैसे एक सेंटेंस पूछा गया था कि ऑलवेज इंडिफरेंट इन पेन एंड हैप्पीनेस, इसको वन वर्ड में क्या बोलते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद एक सेंटेंस था राम इज ए, उसके बाद फिर ब्लैंक स्पेस था इज ए बेस्ट टीचर, तो उसके अलावा कौन सा आर्टिकल वहाँ पर फिल होगा, ए एन द, तो बेस्ट के आगे कौन सा आर्टिकल फिल होगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो कि हमने कराए हुए हैं, इस टाइप के पूछे गए थे।
उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन था इंग्लिश में, कि जो सेंटेंस अंडरलाइन था उसकी जगह पर रिप्लेस करके दूसरा सेंटेंस क्या फिल करना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि जनरली MTS और CHSL लेवल के जो इंग्लिश आती है उसके बियांड में पूछे गए थे। तो इस तरह से इंग्लिश सेक्शन जो कि मतलब एक एवरेज लेवल पर कह सकते हैं वो बन जाएंगे। उसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि आपका SSC JEE एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि SSC JEE में 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग टॉपिक से, वहीं मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में 14 क्वेश्चन आते हैं। तो SSC उसमें पूछा गया था कि कौन सा क्वेश्चन, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया था कि रिवर्स ऑर्डर में, जैसे ई का रिवर्स क्या होता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे कि रिवर्स क्या होता है। उसके बाद मिसिंग नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। उसके बाद जैसे बाल का कोड करके 0 लिखा गया था, कुछ और सेंटेंस था उसका कोड लिख के 3 डिजिट में लिखा गया, तो 5 नंबर का अल्फाबेट दिया गया था, उसको कोडिंग में क्या करेंगे। उसके अलावा एक पैटर्न था कि जैसे 27 मल्टीप्लाई बाई 61 था, तो उसको मल्टीप्लाई करके 56 कर दिया एक पैटर्न के हिसाब से। फिर सेम उसी तरह का एक दूसरा पैटर्न था, तो तीसरा पैटर्न क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन जो कि 2 पूछे गए थे। उसके बाद जो कि अगला क्वेश्चन था कि जैसे रील इज हील, तो इसको कोड करके 389 लिखा गया था। उसके बाद हील आर क्योर, तो इसको 579 लिखा गया था। तो उसमें पूछा था कि हिल की वैल्यू, हिल का वैल्यू क्या होगी, तो उसको आप अगर प्रॉपर अंडरलाइन करके बनाते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है, जो कि 3 डिजिट और इस तरह के होते हैं। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक गडेरिया है उसके पास, जो कि मैथमेटिक्स सेक्शन का ही है जो कि हम अभी बता रहे हैं, कि उसके पास इतने नंबर की भीड़ है, 2400 समथिंग रेड कलर की भीड़ है और 2500 900 कुछ है, तो उसको कितने पेयर में वो डिवाइड कर देगा, कितने मतलब जोड़े बना देगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद डायरेक्शन बेस के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरह, वो भी सिंपल लेवल के पूछे गए थे। जैसे सपोज करो कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सोनल नाम की लड़की है जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में, जो कि मतलब मूव करते 250 थे, फिर उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है और 250 मीटर की डायरेक्शन को मूव करती है, देन वो राइट टर्न लेती है, यानी राइट टर्न लेती है और 50 मीटर चलती है, फिर लेफ्ट टर्न लेती है, फिर राइट टर्न लेती है, और सबकी वैल्यू दिया। तो पूछा था कि ओरिजिनल पोजीशन से उसकी लेफ्ट पार्टिकुलर पोजीशन तक डिस्टेंस कितनी है। तो एक क्वेश्चन इस तरह के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो पार्क में है और घर से है, तो उसकी पार्टिकुलर लोकेशन को एनहेंस करके कितनी मतलब किस लोकेशन पर है। उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन था कि एक पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है 200 किलोमीटर, फिर उसके बाद समथिंग डिस्टेंस चलता है, फिर वापस उसी डायरेक्शन में वेस्ट डायरेक्शन में आता है, फिर उसको एक पाइथागोरस ट्रायंगल बन जाता है, उस तरह से उसकी जो कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस पूछी गई थी। जैसे कि एक डिस्टेंस 5 किलोमीटर हो जाती है, दूसरी 12 किलोमीटर होती है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ट्रिपलेट बन जाता है, और ट्रिपलेट को हम सॉल्व करना इजीली जानते हैं लॉजिकली कि 5 है 12 है, तो सिंपल सा है इसका जो कि जो मतलब, तो वो 5 12, तो इसका वैल्यू सिंपल 13 आ जाता है। तो जैसे बेस हो गया 5, उसके बाद परपेंडिकुलर हो गया 12 और हाइपोटेन्यूस सिंपल हो गया 13, जो कि परपेंडिकुलर है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से इजीली कर लेते हैं। तो इस तरह के एक सिंपल क्वेश्चन जो कि रीजनिंग में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था कि जैसे एक सीरीज बन रही थी, उस सीरीज में 4 डिजिट दिए गए थे, तो पहले दूसरे में गैप का जो डिफरेंस था 2 नंबर का था, और जो लास्ट डिजिट का डिफरेंस था 1 नंबर का पूछा गया था। तो इस तरह से जो चारों क्वेश्चन थे, लेकिन 1 नंबर था उसमें जो कि गैप, जो कि लास्ट के डिजिट में गैप 5 नंबर का था, वो इनकरेक्ट था। उसके बाद एक क्वेश्चन जो कि कोडिंग का था, उसमें दो दो पेयर कोड बनाए गए थे, पहले 2 इंक्रीज होता है, फिर 2 इंक्रीज होता है, फिर 2 इंक्रीज होता है, लेकिन दोनों का गैप जो था वो 8 डिजिट का था। इस तरह से क्वेश्चन को जो कि रीजनिंग में पूछे गए, तो आई थिंक रीजनिंग के क्वेश्चन काफी सिंपल आ रहे हैं और जो कि आप बना सकते हैं अगर आपने अच्छे वे में पढ़े। फिर आते हैं जो कि कंप्यूटर सेक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चन को पूछते हैं। तो कंप्यूटर सेक्शन के जो टॉपिक पूछे गए थे सिंपल, के जैसे एक मेल है उसको टाइप करके, हम उसको टाइप तो कर दिए लेकिन उसे फॉरवर्ड नहीं किए, तो
उसको हम क्या बोलते हैं, वो फॉरवर्ड करने की पोजीशन में है तो उसे हम ड्राफ्ट में सेव करते हैं, तो ये होता है। उसके बाद पूछा गया था कि किसी कौन सी कीवर्ड मॉडिफायर की को यूज करके हम किसी भी लेटर को कैपिटल लिख सकते हैं। तो जैसे हम कंप्यूटर में शिफ्ट दबाते हैं और शिफ्ट के बाद किसी वर्ड को टाइप करते हैं तो ये मॉडिफायर की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद जो कंप्यूटर में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 GB इक्वल टू कितने बाइट होता है, तो हम जानते हैं कि 1 GB बराबर 1024 MB होता है। उसके बाद 1024 MB के बाद 1 MB बराबर 1024 KB होता है, और 1024 KB इक्वल टू ये 1024 MB होता है। तो इस तरह से इसको 1024 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 GB इक्वल टू 1024 × 1024 × 1024 इक्वल टू बाइट हो जाएगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन जो कि काफी सिंपल पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है उसकी स्पीड कितनी होती है। उसके बाद पूछा गया था कि जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उसको कौन से स्ट्रीट ने खोजा था, जैसे ऑक्सफोर्ड ने खोजा था या कैम्ब्रिज ने खोजा था या ये जो और यूनिवर्सिटी है उनके 4 नाम मेंशन किए गए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर में कि जो XML है वो किसका एक्सटेंशन है, तो XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो उसको हम अगर एक्सटेंसिबल देखें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के एक्सटेंशन के थ्रू रिलेट करते हैं तो हो जाता है। उसके बाद HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता ही है। उसके बाद जो फॉर्टेन होता है, फॉर्टेन एक लैंग्वेज होती है, वो कहाँ यूज की जाती है, जैसे कि फॉर्टेन लैंग्वेज जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है तो वो किस पर्पज में यूज होती है, साइंटिफिक पर्पज, बिजनेस पर्पज, मार्केटिंग पर्पज या किस फील्ड में यूज करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर सेक्शन में पूछे गए थे। अब हम आते हैं अपने अगला सेक्शन मतलब साइंस पे आते हैं, और साइंस जो कि काफी मीडियम और एवरेज लेवल भी कह सकते हैं। तो साइंस में पहला सेक्शन जो कि हम जैसे क्वेश्चन की बात करें तो उसमें पूछा गया था कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट जो कि सबको पता है जो कि 14 होता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था कि साइंस में पोलियो मतलब जॉन्डिस बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसकी जो टाइम पीरियड कितना होता है, कितने समय में वो एंड हो जाता है, इसके बारे में पूछा गया था। उसके बाद विटामिन जो होती हैं, 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। तो पूछा था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो जैसे वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं, 4 कौन कौन सी होती है, के होती है, ई होती है, डी होती है और ए होती है। तो ये 3 विटामिनों के नाम दिए गए थे और बी विटामिन दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर बी होता है। बी में भी बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे B1, B2, B3 या उस तरह से B12 तक विटामिन होते हैं, लेकिन B12 में सब भी नहीं होते, उसमें कुछ विटामिन B6 भी होती हैं। इसके अलावा विटामिन जो बी होती है उसमें भी बहुत टाइप के विटामिन होते हैं, जैसे कि साइनोकोबालामिन, उसके बाद फोलिक विटामिन या जो भी विटामिन होती है, मतलब बहुत सारे विटामिन उसमें आती हैं। तो इस तरह से विटामिन के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद पूछा गया था कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो कितने दिन पर होता है। उसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट वाला भी क्वेश्चन था। इसके अलावा जो जो खाना का संचालन मतलब एक पार्ट से दूसरे प्लांट में मतलब बॉडी के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फूड को कौन ले जाता है, जैसे कि अलिंदी डायर अलिंदी या कोशिकाएं या कैपिलरीज बोलते हैं जैसे इंग्लिश में, इस तरह के क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से फ्रेम किए गए थे। उसके अलावा साइंस में और क्वेश्चन पूछे गए थे कि जैसे कि एक लेयर होती है जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, मेजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, और उन लेयर के बीच में डिफरेंस गैप्स पूछा गया था। उसके बाद ओजोन लेयर की थिकनेस के बारे में भी बात की गई थी। तो इस तरह से
जो कि साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने, जो कि साइंस के कुछ क्वेश्चन जो कि काफ़ी सिंपल थे, उसके बाद साइंस में पूछा गया था कि केमिकल का राजा किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि साइंस के, मैथ के, जीएस के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, हिंदी के, कंप्यूटर के, इन सबको हमने एक्सप्लेन करके बताया। अब आते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो जो टेक्निकल बैकग्राउंड स्पेशली जो सिविल इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू के स्टूडेंट हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं। तो जैसे टेक्निकल में जैसे कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे एक काउंटरफॉल रिटेनिंग वाल होती है तो उसमें स्टीयर वाल और कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि टॉप बॉटम या इस तरह से। उसके बाद पूछा गया था कि एक टी सेक्शन बीम है और टी सेक्शन बीम में जो न्यूट्रल एक्सिस होती है वो कहाँ पे होती है, रिम में होती है या फ्लेंज में होती है, इस सेक्शन को बताना था। उसके बाद स्टील से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टील की मतलब वैल्यू दी गई थी। उसके अलावा सबसे ज़्यादा दो क्वेश्चन पूछे गए थे बार वेंडिंग शेड्यूल से, तो बार वेंडिंग शेड्यूल को करते टाइम हमें कौन कौन सी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है और किसकी नहीं होती है, जैसे कि बार बेंडिंग शेड्यूल में कैसे काउंटिंग होती है, उसके बाद नंबर ऑफ लेंथ के हिसाब से होता है या वेट के हिसाब से होता है, इस तरह के बार बेंडिंग शेड्यूल से दो क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। उसके बाद जो कि इरिगेशन सिस्टम से यानी पूछा गया था लेसी और कैनेडी थ्योरम से, तो लेसी कैनेडी थ्योरम से क्वेश्चन दिया गया था, डिस्चार्ज की वैल्यू दी गई थी 90 क्यूमेक्स की और यानी सेट फैक्टर की वैल्यू दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग वेट डेप्थ और उसके बाद बेड स्लोप को निकालना था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था साइंस में टेक्निकल में जो कि बिल्डिंग मटेरियल से पूछा गया था, बिल्डिंग मटेरियल में जिप्सम क्या है, एक्सीलेटर है या रिटार्डर है। उसके बाद CaCl2 को पूछा गया था कि एक्सीलेटर है या रिटार्डर है। उसके बाद पूछा गया था जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो कितने तरह की प्लास्टरिंग की जाती है, जैसे कि मड प्लास्टिंग, स्टोन मड प्लास्टिंग, सीमेंट प्लास्टरिंग, मोर्टार प्लास्टरिंग तो और प्लास्टिक प्लास्टरिंग, इसमें कौन सी जो कि नहीं होते, इस तरह का क्वेश्चन था। उसके बाद ब्रिक्स वर्क किस टाइप के होते हैं, तो उसके बाद जो कि हाई टेम्परेचर यानी जैसे केमिकल फ्लड हो, केमिकल जैसे केमिकल कंपनी होती है तो उसमें सीमेंट का कोई भी जैसे बिन या कुछ भी बनता है, बिन तो नहीं कर सकते क्योंकि बिन जो कि एक स्टील का स्ट्रक्चर होता है, तो उस टाइप का सपोज करिए कि एक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो स्ट्रक्चर में जिसमें हाई लेवल का केमिकल फ्लो होता है, तो उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कितने लेवल का मिनिमम कंक्रीट ग्रेड प्रोवाइड किया जाता है, M20, M35, M40, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से जो कि एक, उसके बाद वाटर टैंक से क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर टैंक कितने टाइप के होते हैं, जैसे हेक्सागोनल, पॉलीगन, स्क्वायर, सर्कुलर, और तो इसमें कौन सा टाइप नहीं होता है, तो चार ऑप्शन थे, पॉलीगन था, हेक्सागोनल था, सर्कुलर था और स्क्वायर था। तो इसको ऑप्शन जो कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं करेक्ट आंसर, हमने यूट्यूब चैनल पर भी बताया हुआ है। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि जैसे जो एड मिक्सचर होता है वो क्यों एड किया जाता है, वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए या ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए और इसके लिए। उसके बाद जो कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है ये कहाँ यूज किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि जैसे एक हार्ट वेदर कंडीशन है, वेट वेदर कंडीशन है और ये नॉर्मल कंडीशन है, तो किस प्लेस पर किस टाइप के मतलब जो कि सीमेंट का यूज करते हैं। उसके बाद कंक्रीट का ग्रेड पूछा गया था कि मिनिमम किस ग्रेड से कंक्रीट पर हमें जो कि RCC स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं, तो जैसे कि M20 ग्रेड की अगर बात करें तो 1, 1.5 और 3 ग्रेड का M20 मिनिमम ग्रेड हम स्ट्रक्चर में देते हैं, तो ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। उसके बाद पूछा गया था कि 1 मीटर क्यूब में जो कोर्स एग्रीगेट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, कितने कितनी होती है, जैसे 1 मीटर क्यूब जो कि एक ग्रेड होता है तो इसमें कितने ग्रेड की कंक्रीट यूज होती है। फिर अगला मेथड पूछा गया था कि कौन सा मेथड सुटेबल होता है जो कि क्विक एस्टिमेशन करने के लिए, जैसे कि आप बहुत सारे मेथड पढ़ते हैं, डिटेल्स मेथड, सेंटर लाइन मेथड, लॉन्ग मेथड
और एरिया वैल्यू मेथड, तो इस तरह के प्रयोग मतलब कौन सा क्यों के लिए किया जाता है। उसके बाद पूछा गया था अगला क्वेश्चन कि जो सेंटर लाइन मेथड होता है और लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड होता है, उसमें कौन सा बेस्ट होता है। उसके बाद पूछा गया था कारपेट एरिया लेंथ एरिया, उसमें उसकी वैल्यू के हिसाब से बात की गई थी। उसके बाद जैसे पूछा गया था कि एक अगर सॉइल वियरिंग कैपेसिटी लो है, उसमें पार्टिकुलर पूरी कंप्लीटली स्लैब पर कंक्रीटिंग की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो जैसे इसको बोलते हैं रॉक फाउंडेशन, जैसे पूरे रॉक फाउंडेशन की एक लेयर बना दी जाती है, उस लेयर के अकॉर्डिंग पूरे एरिया पे जो कि कंक्रीटिंग कर दी जाती है, उस पर से स्ट्रक्चर को मतलब स्ट्रक्चर को सुपर स्ट्रक्चर को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इस फाउंडेशन को रॉक फाउंडेशन कहते हैं। उसके बाद एक आया था कि एक स्लैब है, स्लैब यानी राफ्ट फाउंडेशन ही जनरली टेक्निकली कह सकते हैं, उसके हिसाब से हम जो उसी में से राफ्ट फाउंडेशन में से ही हम कॉलम को निकाल लेते हैं, तो उसको उस कॉलम को क्या बोलते हैं। तो रिब कॉलम बोलते हैं या फ्लैट स्लैब कॉलम बोलते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद हाईवे का फार्मूला आया था, और एक फार्मूला जो कि कुछ हो सकता है डाउटफुल हो, क्योंकि जो आर इज इक्वल टू आर रेडियस की वैल्यू होती है वो जनरली दो टर्म में होती है, एक 20 मीटर के लिए और एक 30 मीटर के लिए। तो एक में 1150 होता है, एक में 1720 होता है, 1720/D। तो उसमें उसकी वैल्यू जो कि काफ़ी 5320 करके या 5353 करके दी हुई थी, तो इसका क्या क्वेश्चन होगा। मतलब उसमें डी आर और डी का रेशियो था और उसके बीच में कॉम्बिनेशन बनाया था कि रेडियस, या जैसे सपोज करते हैं हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कि जो डी की वैल्यू दिया होता है 4 डिग्री या 5 डिग्री, तो उसमें डी की वैल्यू पुट करते हैं तो उसके बाद रेडियस निकल के आ जाते हैं। इसके बाद हम ये सुपर इलेवेशन अगर सपोज निकालना होता है तो हम फार्मूला यूज करते हैं इज इक्वल टू जी वी स्क्वायर 127 आर। तो जी की वैल्यू हम गेज की लेंथ देते हैं, जैसे दो रेलवे की पटरियों के बीच में गेज का लेंथ कितना होता है, जैसे कि ब्रॉड गेज है या मिनी गेज है या नैरो गेज है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो दोनों गेज होते हैं उसकी वैल्यू पुट करते हैं। वी जो कि विलासिटी स्पीड होता है उसको किलोमीटर पर आवर में देते हैं, और आर जो वन अपान में जो आर होता है आर की वैल्यू जो 127 देते हैं रेडियस। तो इस तरह से हमें सुपर एलिवेशन प्राप्त हो जाता है। सुपर एलिवेशन को हम कैसे कितना एलिवेट करना है, कितना अपर लेयर और टॉप लेयर से बढ़ाना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे। उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि सुपर एलिवेशन से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो मेजर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है, तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में एक कैनाल बनाते हैं, तो कैनाल में किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान और कौन से पैरामीटर को हम नहीं लेते, जैसे हम टेम्परेचर को ज़्यादा नहीं लेते, तो उस तरह के होता है। उसके बाद ईटीज जो लेसी थ्योरी थी उसका डिसएडवांटेज क्या था, तो उसका डिसएडवांटेज था कि ईडीज फार्मेशन होगा, और ईडीज फार्मेशन होता यानी सिल्ट और सोर्स शॉर्टिंग नहीं होगा, तो इससे वो करंट फार्मेशन नहीं होगा, और जिसकी वजह से वो कैनाल जो कि पानी जो कि अच्छे से फ्लो करेगी और वो अपनी एफिशिएंसी को अचीव करेगी और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, और उसके अलावा वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वर्क करेगी। उसके बाद जैसे अब भारत में इरिगेशन कैनाल सिस्टम फेल होने का रीजन क्या है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कंटूर एलिवेशन होता है, जैसे एक प्रॉपर स्ट्रिप दी जाती है तो उस पर किस टाइप का इरिगेशन किया जाता है, तो ये पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि जो कंट्यूर होता है वो प्रॉपर एक के दूसरे पर कब इंटरसेक्ट करता है, तो जैसे कि इंटरसेक्ट एक वर्टिकल इनक्लिप का क्वेश्चन ये आता है, ये क्वेश्चन जनरली कई बार गेट में भी पूछा गया और एसी एग्जामिनेशन में पूछा गया, ये जो कि एक दूसरे को ओवर क्लिप करता है यानी वर्टिकल क्लिप का ये सेक्शन आता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी फ्रेम हुआ था। उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन होता है अगला क्वेश्चन जो हाईवे इंजीनियरिंग से था, हाईवे इंजीनियरिंग में जो पूछा गया था कि रेडियस कैसे निकालते हैं, उसका वाला एक क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है। दूसरा जो पूछा गया था कि
जो सुपर इलिवेशन में कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो रेडियस जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि रेडियस अगर हम ज़्यादा टर्न लेते हैं तो सिंपल सी बात है सुपर इलिवेशन कम होगा। अगर हम रेडियस को कम डिक्रीज करते हैं तो शार्प टर्न ज़्यादा होगा और जो कि ओवर टर्निंग के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यानी अगर स्केटिंग या स्लाइडिंग प्रोसेस स्लाइडिंग ज़्यादा होने के चांस रहेंगे और इस तरह से ओवर टर्निंग, तो कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी इलिवेशन को, रेलवे हो चाहे हाईवे हो, उसको डिजाइन करते समय हम इस बात का काफ़ी ध्यान रखते हैं कि जो मतलब रेडियस होता है और रेडियस को हम ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर टर्न से मूव करेगी तो ऑब्वियस सी बात है सुपर इलिवेशन और ओवर टर्निंग के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हो गए। लेकिन अगर हम एकदम शार्प टर्न और यू टर्न लेते हैं तो ऐसे प्लेस पर वो अपने लेयर और अपने बैलेंस को अनबैलेंस कर देगा, आई मीन्स मतलब इनर लेयर और आउटर लेयर्स में जो कि कम्बिनेशन नहीं होगा और ओवर टर्निंग के चांस हो जाएंगे उसके बाद जो। तो इस तरह से हम ये सब चीज़ें जो कि लॉजिकली भी हम दे सकते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था जो कि टेक्निकल से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो उसमें फिल्टर के बारे में कुछ पूछा गया था। उसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग अगला क्वेश्चन कौन सा था थे? जो ओपन सैंड फिल्टर इसके बारे में पूछा गया था। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पूछा गया था। उसके बाद पीएच वैल्यू का रेंज पूछा था कि पीएच वैल्यू की रेंज क्या होती है, ये एक क्वेश्चन था उसको पूछा गया था कि एल्कलाइन सॉल्यूशन की जो होता है सॉल्ट होता है एल्कलाइन सॉल्ट, उसकी जो पीएच रेंज क्या होती है। और जैसे कि आप पीएच रेंज जानते भी हैं कि पीएच रेंज 0 से 7 तक एसिड होता है, 7 पे जो कि न्यूट्रल कंडीशन आ जाती है और 7 से 8 जो कि बेस होता है, इस तरह से होता है। उसके अलावा इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन पड़ता है जो कि 4 PPM तक एक्वेटिक एनिमल जो कि सर्वाइव नहीं कर पाते और उन्हें जो कि काफ़ी नुकसान होता है, जो कि तो इसलिए लेक या पॉन्ड में हम 4 PPM से ज़्यादा, तो 4 PPM से ज़्यादा हम लोग मतलब उसको मेंटेन और बैलेंस करके रखते हैं किसी भी एक्वेटिक में। उसके अलावा जितने भी रिवर पॉन्ड यानी जैसे गंगा रिवर है किसी भी तरह के, हम 4 PPM से ज़्यादा उसकी वैल्यू को एक्सीड करने नहीं देते हैं और उसके नीचे ही, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल उसके नीचे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो अपना मतलब जीवन लॉस कर देंगे। उसके बाद जो टेक्निकल में सर्वेइंग टॉपिक से आया था कि जैसे एक सेक्शन होता है उसमें ट्रैवर्सिंग करते हैं कि प्लेन टेबल सर्वेइंग से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कौन कौन से नहीं यूज करते हैं। उसके बाद लेवल लेने के लिए एक और क्वेश्चन था, लेवल लेने के लिए कौन से लेवल में कौन कौन सा चीज़ होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा जो टेक्निकल में और कौन सा सेक्शन बचता है, कंक्रीट टेक्निकोलॉजी हो गई क्या, उसके अलावा टेक्निकल में जो कि सॉइल मैकेनिक्स टॉपिक से बात करते हैं, जो कि बाकी जो बड़े एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन या गेट एग्जामिनेशन, इन सब में सॉइल मैकेनिक्स का एडवांस लेवल का वर्जन पूछा जाता है। बट जो कि MP सब इंजीनियर एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ही कम था और बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए थे इन सब टॉपिकों से, और इस टॉपिकों से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आप बना सकते हैं। उसके बाद इसमें ज़्यादा फोकस जो कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, डैम स्ट्रक्चर या इरिगेशन, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया था। और इसके अलावा जो टॉपिक मतलब SSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं उन्हीं एग्जामों को पूछा गया था। उसके बाद न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं थे, और उसके अलावा जो कि थ्योरी और वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो कि डैम और इस तरह से, जो कि ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को मतलब आज के इस सेशन में एक्सप्लेन करके बताया जो कि काफ़ी ऑथेंटिक और 100% ट्रू है। और इसके अलावा मतलब जो कि अगर एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है, सारे क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं, और सारे जो कि एक क्वेश्चन के थ्रू हमने इस एग्जाम के पैटर्न को एक्सप्लेन किया कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और सभी हर एग्जाम हर डे और हर शिफ्ट में यही पैटर्न जो कि रिपीट हो रहा है, जो पैटर्न हमने बताया बस क्वेश्चन का नंबर या मतलब क्वेश्चन के मतलब फ्रेम बदल जा रहे हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन को बस चेंज किया जा रहा है क्योंकि पैटर्न बदल नहीं रहा है और सेम पैटर्न पर क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं।
उसके अलावा 200 का पेपर हो रहा है और 180 मिनट टाइम रहता है, उसके अलावा निगेटिव मार्किंग नहीं रहती। और क्वेश्चन पेपर जो कि स्क्रीन के दो सेक्शनों में होता है, पहले लेफ्ट स्क्रीन में जो कि इंग्लिश में राइट होता है और राइट स्क्रीन में जो कि हिंदी में राइट होता है, और बीच सेक्शन में जो कि बबल होता है तो उसमें आप उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन जो नीचे टॉप नीचे बॉटम में दिया था, प्रीवियस क्वेश्चन, मार्क द क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की सबसे लोएस्ट बार में आपके क्वेश्चन होते हैं, 1 से 200 क्वेश्चन मेंशन होते हैं। आपको उसके राइट स्क्रॉल में जाएंगे, सेकंड राइट स्क्रॉल में, तो वहां पे आप अप डाउन करके क्वेश्चन को मूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है, सेक्शन का डिवाइड नहीं होता इसमें, सेक्शन 1 से 200 होता है। तो आपको अगर सेक्शन वाइज क्वेश्चन करना है तो इसके लिए आपको सेक्शन उसको सर्च करना पड़ता है, पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है इस सब्जेक्ट का। जैसे कि हिंदी का 1 से 14 तक है, फिर 14 से 30 तक मैथ का है, या जो भी टॉपिक है, तो उस तरह से आपको सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद 1 से 100 तक जो कि नॉन टेक्निकल होगा, और उसके बाद 100 से 200 जो कि टेक्निकल होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को पढ़ और समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आपको वीडियो समझ में आई। और हमारा गला इन्फेक्टेड है इसलिए थोड़ी आवाज़ वॉइस में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई होगी, तो इसके लिए आई एम रियली अपोलाइज। और मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें और भी अच्छे टॉपिक को डिस्कशन करें। लेकिन आप अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और जिससे आपको सिलेक्शन होने के चांस जो कि काफ़ी बढ़ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच।